Morning all of you. How are you? I am Anjani from Rhymes. I hope you all are safe at your home. So student, today I am going to teach you the second chapter of GK of class 1. The name of this topic is Your Body. Aapka Sharir. God has given you a wonderful body. भगवान ने आपको बहुत ही बढ़िया बहुत ही अच्छा शरीर प्रदान किया है. नेम द बॉडी पार्ट्स डैट यू हैव इन योर बॉडी. आप उनके नाम लिखें या बताबें जो आपके शरीर में हैं या जो अंग आपके शरीर में हैं जिन्हें आप रोज़ देखते हैं. कैसे बनाना है तो लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द मिसिंग लेटर्स. अपनी बुक के इस चित्र को ध्यान से देखिए और उसमें एरो के निशान को देखिए कि वो आपके बॉडी या इस बुक के बच्चे के बॉडी के किस पार्ट पे है. नाक पे है, कान पे है या कहाँ पे है, उसको देखिए और उसका स्पेलिंग कंप्लीट कीजिए. जो भी अक्षर जो भी लेटर छूटा हुआ है उस लेटर को कंप्लीट कीजिए. जैसे N E C K नेक. नेक का एरो कहाँ पे लगा हुआ है, तो उस लड़के के गर्दन के पास है ना, इसलिए हमने वहाँ क्या लिखा, N E C K नेक. सेकेंड, अब हेड के पास देखिए, उसके सिर के पास तीर का निशान बना है, तो हम वहाँ पे क्या लिखेंगे, एच ई ए डी, हेड. ठीक उसी तरह एस एच ओ यू एल डी ई आर, सोल्जर. सोल्जर यानी कंधा. तो हम इसी तरह पूरे शरीर के अंगों का नाम सोचेंगे और फिर उसको लिखेंगे. For your help, the names of all the organs are given in the box below, which you have to fill at the right place in the right way. आपकी मदद के लिए नीचे देखिए, बॉक्स में सारा स्पेलिंग दिया हुआ है. आपको बस उस सही स्पेलिंग को सही जगह पे फिल करना है. ओके, यू कंप्लीट द नेम्स ऑफ ऑल दीज ऑर्गन्स इन योर होमवर्क एंड पुट देम इन द व्हाट्सएप ग्रुप. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस चैप्टर देन यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप. नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोडेड सून. टिल देन स्टे होम स्टे सेफ.